Hello everyone, I am Akanksha Sharma and I have secured rank 5 in this year's Himachal Pradesh Administrative Services. A little background about myself I have done my graduation and post graduation from Hansraj College, Delhi University in Botany. My optional subject for HAS was also Botany. I will really like to share my whole strategy with you. I hope my strategy will be helpful for the listeners. So I started my preparation in 2017 during the last year of my masters. In the first two attempts of HS which were in 2018 and 19, I was not even able to clear the prelims and this time I was fortunate enough that I have cleared the whole exam with a good rank.

एक हिंदी न्यूज़पेपर अमर उजाला और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रिब्यून ट्रिब्यून इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हिमाचल की काफ़ी न्यूज़ कवर हो जाती है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो आप लिखिए अपनी नोटबुक में एक डेडिकेटेड नोट्स बनाइए और ये नोट्स आपको प्रिलिम्स में तो हेल्प करेंगे ही पर मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे और मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती थी उसमें स्पेसिफिकली में एक्सप्लेन एक कॉलम आता है वो ज़रूर पढ़ती थी और साथ ही में मैं करंट uh, अफेयर की मैगजीन्स पढ़ती थी इनसाइट्स ऑन इंडिया एक साइट है उस पर वो कंपाइल्ड करंट अफेयर्स डालते हैं मंथली बेसिस पे तो मैं मंथ के एंड पे सारे करंट अफेयर्स की वो मैगज़ीन ज़रूर पढ़ती थी और उसके अपने आप नोट्स बनाती थी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अ ब्रीफ़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है वो आप अच्छे से कीजिए नेक्स्ट आता है आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नोट्स पढ़े थे वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएंगे साथ ही में एक एन uh, सी है आर्ट एंड कल्चर की क्लास प्लस वन की आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं एंशेंट एंड मटीवियल पर इतना फोकस नहीं रहता है एच uh, ए में ना तो प्रिलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ना ही मेन्स में पर अगर आपको पढ़ना है तो मैंने रेफ़र की थी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में सब कुछ दिया है तो उससे आपका आर्ट एंशेंट एंड मटीरियल कवर हो जाएगा नेक्स्ट कमिंग अप टू पॉलिटी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है सभी रेफर करते हैं और वो बहुत अच्छी बुक है उससे आपका कवर हो जाएगा सब कुछ नेक्स्ट आता है इकॉनमी इकोनॉमी के लिए क्लास प्लस वन प्लस टू की एन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे बजट हिमाचल का भी और सेंटर का भी बहुत ज़रूरी है वो आप करिए उससे पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए वो बहुत ज़रूरी है साथ में मैंने इकोनॉमी के लिए अन अकेडमी पे आयुष सांगी सर हैं उनके डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं और लेक्चर्स हैं मैंने वो देखे थे और उसके मैंने नोट्स बनाए थे और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था वहाँ से आपको काफ़ी जितने भी मैक्रो इकनॉमिक चीज़ें होती हैं जो हमें आइडिया नहीं होता है फैक्ट्स होते हैं और कंसेप्ट्स होते हैं तो वो सारे मैक्रो इकनॉमिक कन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से सर ने कवर किए हैं तो वहाँ से आपका हो जाएगा वो ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं नेक्स्ट जोग्रफी जोग्रफ़ी के लिए मैंने नाइन्थ टेंथ प्लस वन प्लस टू की एन पढ़ी थी उसके नोट्स बनाए थे जी सी लियॉन्ग पढ़ी थी और एक एटलेस बहुत ज़रूरी है तो मैंने ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलेस फॉलो की थी साथ में मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे जोग्राफी के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं मैंने वो भी पढ़े थे तो वो आप अच्छे से देखिए उनको एक बार तो आपका बहुत जोग्राफी क्लियर हो जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्योंकि मेरा बॉटनी ऑप्शनल था तो इतना मुझे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने नोट्स uh, पर शंकर आई एस, उ, उसे फॉलो किया था नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एच पी एच के लिए मैंने जग मोहन बलोखरा यूज़ की थी और मैंने कोई भी और बुक रेफर नहीं की थी बट जग मोहन बलोखरा मैंने बहुत बार पढ़ी थी और मल्टीपल टाइम्स पढ़ के उसके नोट्स बनाए थे और फिर नोट्स को भी रिवाइज किया था उसका जो फर्स्ट पार्ट है बुक बुक अब शायद पहले कंसोलिडेटेड फॉर्म में आती थी पर अब उन्हें उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया है पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट टू इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट पार्ट वन बहुत 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 ज़रूरी है इन हिमाचल की जोग्रफी हिस्ट्री सब कुछ मैंने जगमोहन बलोखरा से ही कवर किया था और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इस बुक को पढ़ा था अपने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे, और अगर आपका एच में हिमाचल का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इस बार भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन प्रिलिम्स में आए थे और मेन्स में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हिमाचल से पूछे गए थे तो जग मोहन बलोखरा द वंडरलैंड हिमाचल इसका नाम है ये आप ज़रूर पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए और इस बुक का कोई सब्सटिट्यूट नहीं है आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी और आपको इसके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज है जो मैं फॉलो करती थी इनसाइट्स ऑन इंडिया मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती थी दृष्टि आई की एक साइट है जो मैं रेगुलरली फॉलो करती थी जी के टुडे पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जी के टुडे भी बहुत अच्छा है एंड हिमाचल स्पेसिफिक एक साइट है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ तो ये भी मैं फॉलो करती थी इसमें हिमाचल का, का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया होता है क्वेश्चन भी दिए होते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अलॉन्ग विद रीडिंग एंड द स्टडी मटीरियल असेसिंग वंस परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ में बहुत फॉलो करती थी प्रिलिम्स के लिए भी और मेन्स के लिए भी मैंने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की थी तो प्रिलिम्स के लिए मैंने हेलियर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो की थी और हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ की जो प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें जो उनके पेपर्स होते हैं दे आर रियली ओरिएटेड लाइक दे आर लाइक द एच एस एग्जाम ऑनली एच ए एस प्री ओनली तो मुझे उनका बहुत फ़ायदा हुआ था तो so, उनके आई थिंक टेस्ट सीरीज़ में अराउंड टेन टू ट्वेल्व पेपर्स थे जो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किए थे तो so, आप प्रिलिम्स के लिए दो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं मैंने हेलियस कोचिंग इंस्टीट्यूट की और एच पी जनरल स्टडीज़ की प्रिलिम्स uh, की टेस्ट सीरीज़ ली थी और मेन्स के लिए मैंने आंसर राइटिंग में इनसाइड्स और इंडिया पर ऑन एंड ऑफ़ करती रहती थी तो वो आप प्रिलिम्स के साथ तैयारी के साथ साथ ही आंसर राइटिंग करते रहिए बट जब प्रिलिम्स हो गया उसके बाद मैंने डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ ली सिविल स्टैप की और इस टेस्ट सीरीज से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ विनय सर रेगुलरली मेरे टच में थे और मैं आंसर्स लिखती थी वो मुझे फीडबैक देते थे और उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस को असेस कर पाई टेस्ट सीरीज़ के थ्रू तो आप यही कीजिए कि आप बहुत ही एक बेसिक बुक लिस्ट फॉलो कीजिए और उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मल्टीपल सोर्सेज पढ़ेंगे तो आपको इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें बट इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फोकस्ड तरीके से कुछ चीज़ें उठा के पढ़ना है और उसे मल्टीपल टाइम्स डिवाइज करना है नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करनी है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी है और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है तो आई थिंक अगर आप डेडिकेटेड uh, हो तैयारी करेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी एक लंबा प्रोसेस है और फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जब मेरे प्रिलम्स नहीं निकलते थे तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी बट फाइनली इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ और आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो फाइनली रिजल्ट्स आएंगे सो दिस इज़ द होल स्ट्रैटी और मेरा ऑप्शनल बॉटनी था तो बॉटनी में क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था तो उसकी मैंने बहुत ही डाइवर्स बुक लिस्ट फॉलो की थी अगर कोई स्पे, बॉटनी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जो मुझ चाहते हैं कि मैं बॉटनी की स्ट्रैटी के बारे बता तो में बताऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ द होल स्ट्रैटेजी एंड वट आई नीड टू शेयर थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ओपन टू योर क्वेश्चन एंड ऑल द वेरी बेस्ट